आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक, और आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन इतना सही हो सकता है, तो आप RTI डाल सकते हैं, ठीक है। RTI डालेंगे तो आपको मतलब पूरा प्रूफ के साथ आपको एग्जाम होने से 10 मिनट पहले आपका क्वेश्चन का सील खुलेगा और ये वीडियो कैमरा के सामने वीडियोग्राफी होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव सभी साथियों को। बाबू बिहार पुलिस 21391 वाले वैकेंसी का एग्जाम आपका 7 अगस्त से होने वाला है, ठीक है, और आज 5 अगस्त आपका हो गया है, ठीक। ऐसे में सबसे लास्ट आपके पास ओनली फॉर एक दिन बचा हुआ है। बहुत सारी जानकारी है इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। उसके बाद रहने का व्यवस्था और फिर आपका एग्ज़ाम कैसे आपको देना है, कौन से गोला को छोड़ना है, कितना क्वेश्चन टिक करना है, उसके बाद तुक्का कैसे मारना है, फिर धांधली कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब टोटल के बारे में बताएंगे आप लोग, ठीक है। दोस्तों 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आज है 5 तारीख, यानी कि आज के डेट में आप चलेंगे। जो भी अदर स्टेट से हैं या फिर जो भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, जो भी बिहार के बाहर है, वो आज 5 तारीख के ही डेट में चलेंगे, तो फिर 6 तारीख को वो कंफर्म अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां उनका सेंटर दिया गया है, ठीक है। और लड़की लोग भी जो बाहर हैं, अदर स्टेट के हैं या फिर जो बिहार के हैं लेकिन वो बाहर है किसी कारणवश, एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करना हमेशा, ठीक है। अंतिम टाइम है बाबू और जी जान लगा दीजिए आप लोग, ठीक है, बिकॉज समय बहुत कम है, ओनली फॉर एक दिन आप लोग के पास बचा हुआ है। और ऐसे में माइंड भी काम नहीं करता है, बहुत सारा डिप्रेस्ड बातें आता है मन में, बहुत सारे वहम चलते रहते हैं, क्या होगा नहीं होगा, कैसे एग्जाम देना है, लेकिन घबराना किसी को भी नहीं है, ठीक है। आप लोग स्टडी मूड यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, वो तो मेरे आदरणीय गुरुजी हैं। बाकी तुक्का कैसे मारना है, चलिए टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को बता देते हैं। जब आप एग्जाम में बैठेगा बाबू, आपको 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एंट्री मिलेगा, ठीक है, और 11 बजे तक में टोटल व्यवस्था देख लिया जाएगा। 11 बजे तक में आपको आपके जगह पर बैठाया जाएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे हॉल में या कोई ग्रेजुएशन का या फिर इंटरमीडिएट का कोई एग्जाम दिए होंगे, तो क्या होता है कि ब्रेंच और जो डेस्क होता है जहाँ पर बैठने वाला होता है उसके ऊपर भी पर्ची चिपका दिया जाता है, ठीक है, यानी कि आपका रोल नंबर होता है, तो उसी टाइप से बना रहेगा। और हर एक सेंटर में जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे आपका कैमरा रहेगा और ये लाइव प्रसारण चलेगा आपके हेडक्वार्टर यानी कि पटना मुख्यालय CSBC से, ठीक है। और उसके बाद बाबू जब आप क्वेश्चन रखिएगा ना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, वैसे आप लोग को बता दे जानकारी के लिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका NCERT बेस्ड पूछेगा, जिसमें कि 70 नंबर का आपका GK GS और करंट अफेयर्स रहने वाला है, ठीक है, जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल साइंस रहेगा और करंट अफेयर्स भी आपका रहेगा। बैक 6 महीना तक का आपका करंट अफेयर्स रहने वाला है इसमें, ठीक, और मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का आता है। ऐसे में आपको लास्ट में करंट अफेयर्स देख लेना है सबसे ज्यादा, और सुबह सुबह जितना ज्यादा हो आप लोग GK GS पे कल भर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला दिन 6 तारीख को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद OMR भरने के लिए आप लोग को तो हम बता ही दिए हैं कि OMR को कैसे भरना है, किसी तरह का गलती नहीं करना है। अगर OMR में किसी तरह का आपको डाउट बुझाता है तो ये वीडियो ना जो हम OMR से रिलेटेड बनाए थे उसको पहले ही देख लेना है, ठीक है। OMR को सही ढंग से भर लेना है, ठीक है। OMR भरने से क्या होगा बाबू, आप ध्यान से अगर भरेंगे ना तो फिर किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर बाय आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक, और आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन इतना सही हो सकता है, तो आप RTI डाल सकते हैं, ठीक है। RTI डालेंगे तो आपको मतलब पूरा प्रूफ के साथ आपको दे देगा कि हाँ भाई आपके साथ ये गलती था, तो वो काम नहीं करना है। आपको OMR से रिलेटेड वीडियो पहले ही देख लेना है कैसे भरना है। उसके बाद 100 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्क इसमें नहीं है, ठीक है दोस्त। जब निगेटिव मार्क नहीं है तो कोई क्वेश्चन छोड़ना बनता नहीं है, सबसे पहली बात यह यहां पर बन जाता है, ठीक। जब क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे 100 का 100 क्वेश्चन टच करेंगे, ठीक, और एक कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको हम बता दिया कि जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 65 तक अराउंड काफी ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज आपका 12 से 13 लाख के समथिंग में फाइट होने वाला है कैंडिडेट में। पहले जो क्वेश्चन आपको आता है उसको बना लेना है, ठीक है, और जो भी रहेगा ना वो सीरीज बाय सीरीज रहेगा क्वेश्चन, यानी कि GK का ही रहेगा तो वो सीरीज से रहेगा, सीरियल से रहेगा, और जनरल नॉलेज का रहेगा, जनरल साइंस का रहेगा या कोई भी रहेगा टॉपिक, तो वो सीरीज बाय सीरीज रहेगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन को पहले छोड़ देना है, ठीक है, पहले जो आता है वो बनाना है। उसके बाद ABCD करते हैं ना, अगर 4 कॉलम रहता है जैसे कि 1 2 3 4 5, आप OMR सीट में देखिएगा ना तो उसमें 5 का पेयरिंग पे रहता है, ठीक है, 5 का एक बार में OMR का गोला रहेगा, फिर 10 तक रहेगा, फिर 15 तक, ऐसे तक का रहता है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना उसको छोड़ देना है, पहले बना लेना है, उसके बाद में ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4 करके महादेव का नाम लेना है और फिर रंग देना है, ठीक। हम गारंटी के साथ कहते हैं अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी आप 30 क्वेश्चन भी छोड़िएगा ना तो का अगर मार दिए तो 10 से 15 क्वेश्चन गारंटी है कि आपका सही होगा ही होगा, ठीक है। और आप अभी भी अपने घर पे एक OMR सीट का एज ऐसे सैंपल लेके आप ट्राई कर सकते हैं, तुक्का मार के देख सकते हैं, आपका सही निश्चित 100% श्योर होगा ही होगा, ठीक है। ये OMR में एक तुक्का लगाने का प्रक्रिया है, ठीक है, तो ये माइंड में चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। बाकी हतोत्साहित नहीं होना है, ठीक है, बिकॉज
आपके चोरी और धांधली को रोकने के लिए सीएसबीसी ने बहुत सारे इंतजाम ऐसा कर रखा है, ठीक है। हम लोग को सख्त आदेश भी मिल चुका है। उसके बाद क्या नोटिफिकेशन अभी निकला है, ये गोपालगंज की तरफ से आया है, अभी आप लोग को हम पढ़ के बताते हैं, ठीक। और ये खास करके ना लड़का और लड़की के लिए सबसे ज़्यादा किया गया है, ठीक है। जो सीएसबीसी देख रहा है और जिस तरह से अभी वीडियो बन रहा है ये धांधली और चोरी के ऊपर, जहाँ से भी डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सीएसबीसी की तरफ से ये आया, आप लोग को बताते हैं। देखिए सीएसबीसी की तरफ से जो व्यवस्था किया गया है वो आपका सीसीटीवी हो गया, जैमर हो गया, फोटोग्राफी हो गया, वीडियोग्राफी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है ना, क्वेश्चन के बारे में दिया गया है कि जो भी मतलब कि क्वेश्चन आता है ना बिहार दरोगा का, जब आया था तो यहीं पे गोपनीय में रखा जाता है उसको, समरणालय के पास में, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट के गोपनीय में उसको रखा जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। और क्वेश्चन आपका 10 मिनट पहले सेंटर पे, मतलब कि 10:30-11 बजे तक में आपका सेंटर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम होने से 10 मिनट पहले आपका क्वेश्चन का सील खुलेगा और ये वीडियो कैमरा के सामने वीडियोग्राफी होगा, तब ये क्वेश्चन का सील खुलेगा और आप लोग में बटेगा, ठीक है। ये इसका दिया गया, ये देख सकते हैं, इसमें पूरा निर्देश आया हुआ है, ठीक है। बाकी हम टेलीग्राम पे ये चीज़ डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा एक बारी। इसमें दिया हुआ है परीक्षा प्रारंभ होने के मात्र 10 मिनट पूर्व अनुरूप खोली जाए, मतलब क्वेश्चन खोला जाए, केंद्राधीक्षक एवं वीक्षक पूर्ण रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है या क्वेश्चन वायरल होता है तो सेंटर के जितने भी मतलब मेंबर उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, टीचर हो या फिर जो भी गार्ड है उसको नापा जाएगा, ठीक। और इसमें दिया हुआ है स्टैटिक मजिस्ट्रेट प्रत्येक परीक्षा हॉल कक्ष का लगातार निरीक्षण करते रहेंगे, जहाँ पे भी एग्ज़ाम हो रहा है, जिस हॉल में हो रहा है या जिस रूम में हो रहा है वहाँ पे कंटिन्यू मतलब अप डाउन करते रहेगा, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों का प्रवेश 2.5 घंटा पहले आपको जाना है परीक्षा सेंटर पे, ठीक। और कोई भी लड़का लड़की लोग मोबाइल या माचिस, चाकू या कोई भी ऐसा उपकरण नहीं लेके जाएंगे, ना बिजली से मतलब रिलेटेड हो या कोई भी ऐसा सामान लेके नहीं जाना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग पहले ही मतलब किसी दुकान पे या जहां आप लोग स्टे करिएगा वहां पे आप लोग सामान को रख दीजिएगा, ठीक है। तो जितना भी सख्ती ये सीएसबीसी वाले बरत रहे हैं इसके लिए टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, ठीक है। और टीचर लोग भी लगे हुए हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं फिजिकल के भी, अब देखते हैं कुछ कुछ उठ के आ रहे हैं जो आप लोग की चोरी और ये धांधली के अगेंस्ट में बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देख के अच्छा लगा। और कोई डॉक्यूमेंट जमा करे दोस्त, कोई कुछ भी करे, इतना लोड नहीं लेना है कपार पे, ठीक है। जब चोरी होगा तब ना क्वेश्चन में वायरल होगा, अब वायरल होगा तो नपेगा, फिर 1 करोड़ का जुर्माना है और 10 साल का जेल है। तो ये सब चीज़ को माइंड में सेट करते हुए, और बाकी जो जहाँ डॉक्यूमेंट दे रहा है देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है। बाकी आप अपना काम करते रहिएगा, इतना गारंटी के साथ कहते हैं। अगर ये सब चीज़ को फॉलो कर लिया ना बाबू, रिजल्ट आपका पक्का बनेगा, 100% श्योर बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो ये आपका ध्यान रहे कि कोई ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। या तो पहचान पत्र ले लीजिएगा, या फिर आधार कार्ड ले लीजिएगा, या ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिएगा, कुछ भी ऐसा ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, ठीक है। और सत्यापित करना पड़ेगा, मतलब आपको एक वेरिफिकेशन के तौर पर होता है कि ये का आईडी है और आप हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड आपको फोटोकॉपी निकलवा लेना है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लड़का और लड़की लोग का ये सवाल है कि भैया नाम गलत हो गया है, क्या करें। देखिए नाम ऐसे सीएसबीसी अपनी तरफ से नहीं करता है, ये गलती आप लोग की है। जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे ना, फॉर्म भरने के टाइम में आप लोग नाम भरने में गलती किया है या फिर अपना एड्रेस भरने में गलती की है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आज सोमवार है, ठीक है, आप लोग जाइए फटाफट नोटरी, जहां आपका सिविल कोर्ट का काम होता है ना, सिविल कोर्ट में आप लोग का एफिडेविट बन जाएगा, ठीक है। समथिंग में 300-400 रुपया लेगा, 300-400 रुपया लेगा, किसी वकील को पकड़िएगा, वो एफिडेविट आपका बनवा देगा। अगर मान लीजिए कि मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है, ठीक, और किसी कारणवश डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल जो भी आईडी प्रूफ में हर जगह पे दीपक कुमार मिश्रा लिखा हुआ है, बाकी जो सीएसबीसी का जो बिहार पुलिस का हम फॉर्म भरे हैं उसमें दीपक कुमार 14 लिखा गया या दीपक मिश्रा लिखा गया है, ठीक है, मतलब कोई नाम लेटर छूट गया उसका, एफिडेविट बना लेंगे कि मेरा गलती से नाम ये हो गया था, मेरा ओरिजिनल नाम ये है, तो दोनों को एक ही समझा जाए। इस तरह से वो एफिडेविट आपको वो वकील को बताइएगा तो वो बनवा देगा ऐसा, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, बाकी ये काम जल्दी कीजिए बिकॉज समय बहुत कम है। सिविल कोर्ट से आपका बन जाएगा एफिडेविट और एग्जाम आपको देने दे दिया जाएगा, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी फिजिकल का प्रोसेस होते होते तब तक में आपका सारा डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, नहीं तो फिर बाबू आप चूक जाएंगे, एक सीट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना तो बहुत सारे लड़का और लड़की लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम भी तो सेटिंग से गए हो, मेरे दोस्त एक बात सुनो, ठीक है, आज हम बता रहे हैं, ये चीज़ हम बोलते नहीं है, ठीक, अच्छा नहीं लगता है। देखिए अगर हम सेटिंग से गए हैं ना भाई, तो वो काम उसके अगेंस्ट में आप कर दो, ठीक है, आप कर दोगे ना, ऐसे भी
एक चीज़ आपको हम लिख के दे देते हैं, बिहार पुलिस या कोई सिपाही कितना भी अच्छा काम कर देगा ना, उसका सराहना हमेशा कम होता है। और कोई काम अगर बेकार कर दिया या गलती कुछ कर दिया, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, इधर उधर आप लोग, हम लोग सब कोई मजा लेता है। ये परंपरा है, ठीक है। कितना भी अच्छा काम करेंगे ना, आप गाली देंगे ही, ठीक। तो ये कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है इस सब चीज़ों से। बाकी आप लोग मेरे अगेंस्ट में जाके काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, चोरी हटाइए और बेटर आइए, अच्छे फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवा के, कंडक्ट करवा के आइए फिर विभाग में, फिर देखते हैं आप लोग को कैसा टैग मिलता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे वर्ड को यूज़ ना करें। आज आप भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरें, आप भी आइएगा इसी विभाग में, आपको भी घुसखोर बोला जाएगा, चोर बोला जाएगा, या फिर बोलेगा कि सेटिंग से आया। कितना को रोकिएगा, उस टाइम आपको अच्छा लगेगा क्या? इसके बारे में खुद आप लोग विचार कीजिए, बाकी और क्या ही बोल सकते हैं। हाँ, लड़की लोग को यही बोलेंगे, बाबू आप लोग का भी होम सेंटर अब की बार हटा दिया, ठीक है। हम बोले थे कि लड़की का होम सेंटर देगा, बाकी लड़का का अदर डिस्ट्रिक्ट देगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़का का भी, लड़की का भी, सबका अदर डिस्ट्रिक्ट दे दिया है। तो जिसको भी लगता है दूर है, वो एग्ज़ाम से पहले बाबू 7:30 तक में आप लोग सेंटर पर पहुँच जाइएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ खा लेना है, माइंड को डिप्रेस कर देना, और टेंशन नहीं लेना, और कलम वलम लेके नहीं जाना है सेंटर पर, ठीक है। आपको कलम भी वहीं पर मुहैया करा जाएगा। ताकि हम अपने तरफ से हमेशा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर बिहार में जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जो सिपाही में हैं या फिर जो हमें जानते हैं, अगर कहीं से भी अदर स्टेट से लड़का आ रहा है या फिर हमारे बिहार के ही हो, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है ना बाबू एग्ज़ाम देने के लिए ना, उसको साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। उसको थोड़ा लोकेशन बता दीजिएगा और किसी तरह का दिक्कत ना हो। वैसे हम जमुई ज़िला में पोस्टेड हैं, ठीक है, तो जितने भी लड़का का सेंटर या लड़की का सेंटर जमुई गया है, हम अपने तरफ से कोशिश उसके रहने का व्यवस्था हम अपने तरफ से कर दिया, ठीक है। इंस्टाग्राम पर हम एक पोस्ट डाले हैं, अभी हम बता देते हैं आप लोग को, जिसका भी सेंटर जमुई गया है, ठीक है, बाबू अगर आप लोग का 7 तारीख को एग्ज़ाम है या फिर 11 तारीख को एग्ज़ाम है, आप लोग आइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे हम लिख देते हैं, ठीक है। वैसे बता भी देते हैं, 92 34 97 67 75, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोन नंबर है, ठीक है। इस पर कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज ज़्यादा कीजिएगा, बिकॉज कॉल भाई बहुत आता है, ठीक। आप मैसेज कर दीजिएगा ना, उस दिन तो मेरा भी ड्यूटी लगेगा, ये हम श्योर हैं, ठीक है। बाकी हम आपको बता देंगे कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है, बाकी खाने पीने का खर्चा भाई आपका रहेगा, लेकिन रहने का जगह हम व्यवस्था कर देंगे यहीं पर, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। बाकी जो भी हमारे पुलिस के भाई लोग हैं, साथी लोग हैं, वो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा ना, तो किसी का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज भाई सबका वही समस्या है, ठीक है, और हम लोग आप लोग उसी जगह से उठ के आए हैं जहाँ से ये भाई लोग अभी संघर्ष कर रहा है, ठीक। बहुत सारे लड़का और लड़की लोग हमें मैसेज करते रहते हैं कि भैया सारण कहाँ है, भोजपुर कहाँ है, यहाँ से कैसे ट्रेन पकड़े। तो उन लोग को हम बता देना चाहते हैं कि कहीं से भी आइए, पटना आ जाइएगा, ठीक है। पटना जंक्शन से आपको हर एक जगह का ट्रेन मिल जाएगा, ठीक। और सारण जो है ये आपको हाजीपुर वैशाली से बस मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। और भोजपुर को आरा बोला जाता है, ठीक है। आरा स्टेशन उतरिएगा ना, तो वहाँ से आपको सेंटर पहुँचा देगा, उसको भोजपुर बोला जाता है, ठीक है। ये पहले पुराने डिस्ट्रिक्ट का नाम था भोजपुर। तो इसमें किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भोजपुर किसको कहते हैं और सारण कहाँ पे है, ठीक है। अगर ना कुछ भी होना तो लोकेशन ट्राई कर लेना, चेक कर लेना, या फिर किसी लोकल आदमी से पूछ लेना कि मेरा एग्ज़ाम है, सो थोड़ा सा मदद कर दीजिए आप लोग, ऐसे करके हमें वहाँ जाना है, वो आप लोग को बता देगा कि कैसे जाना है। और हम विनती करते हैं, जितने भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिएगा लड़का लोग को, लड़की लोग को, तो उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो फिर फ्यूचर बन जाएगा वो लोग का, ठीक है। आप लोग एक बार 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 पूछते रहते हैं कि भैया आप जो PDF दिए हैं, या क्या ये PDF मिलेगा, क्वेश्चन लड़ेगा। हाँ बिल्कुल लड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग उस PDF से पढ़े होंगे, हम 100% श्योर बोलते हैं गारंटी के साथ, ये 7 तारीख को ही वैसे पता चल जाएगा कि PDF से क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक। और किसी भी लड़का को या लड़की को किसी तरह का दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कीजिएगा। दिक्कत डाउट हो तो भाई आपका हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। और हाँ, एकदम मनोबल ऊँचा करके रखना है हमेशा, एग्ज़ाम होगा, निकलेगा भी, और ज्वाइन भी करेंगे, वर्दी भी पहनेंगे, ठीक है। जिसका भी एग्ज़ाम 7 तारीख को है, लड़का लड़की लोग को, किसी को भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और एग्ज़ाम देने से पहले महादेव को या बजरंग बली को प्रणाम कर लेना है, पूजा पाठ कर लेना है, उसके बाद आना है एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और लोड नहीं लेना है, कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करे, कुछ भी करे, टेंशन नहीं लेना है इतना, ठीक है। भाई आपका हमेशा तैयार हो, जितने भी एजुकेशनल टीचर हैं, फिजिकल टीचर हैं, सब आपके सपोर्ट में है, ठीक है। बस फेयर एग्ज़ाम हो, बेटर एग्ज़ाम हो और अच्छे से एग्ज़ाम हो, ठीक है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, ठीक है, या YouTube के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, ठीक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।